नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सबको स्वागत है। और जितने भी भारत और भारत के अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हैं सबको नमस्कार, अभिनंदन करना चाहूँगा। मेरा नाम सोनम दोरचे है और मैं एक तिब्बत का रहने वाला हूँ। और मेरी जन्म स्थल बोध गया में है और मेरी परवरिश और जन्म स्थल, परवरिश आप कह सकते हैं कि हिमाचल की सुंदर जगह कुल्लू मनाली की घाटी में मैंने अपना वहाँ पर परवरिश हो के बाद में मैंने चंडीगढ़ से अपना कॉलेज वहाँ से किया था। और अभी मैं मिनेसोरा, अमेरिका के मिड वेस्ट के मिनेसोरा में रह रहा हूँ। और मेरी ये यूट्यूब चैनल का उद्देश्य ऐसे ऐसे चीज़ों को आपके सामने रखना है जो आपके जीवन में एक सफल इंसान और एक जीवन में आपके जीवन की बेहतर ज़िंदगी और आपकी सोच में बदलाव आ सके, ऐसी चीज़ को मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा। यही मेरी उद्देश्य है। और आप इस YouTube चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, ये मेरी निवेदन है आपसे। और इस चैनल के माध्यम से आपको जीवन के कठिनाई प्रभाव में आप जब आते हो जाते हो उस वक्त आपको कैसे सोचना चाहिए, और ये भी मैं ऐसे ऐसी चीज़ आपको बताना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन में है और वो आपको जीवन में उपलब्धि हो और जीवन में कठिनाई को सामना कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बताने की कोशिश हमेशा करता रहा हूँ। इसलिए आप ये मेरा YouTube चैनल जो है आपको सब्सक्राइब करें। जबकि इस YouTube के अभी आपने इसके विशेष के बारे में आपको पहले से आप मालूम हो चुका होगा, और अगर आप मालूम ना हुआ तो आज के विशेष है नकारात्मक लोगों से हम कैसे सामना करें, हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। जब हम नकारात्मक लोगों की बात करते हैं तो हम जीवन में हमारे, चाहे जहाँ पर आप रहते हो, जहाँ पर आप काम करते हो, परिवार के अंदर हो, और आजकल ये सोशल मीडिया के अंदर हो, आपको बहुत ऐसे नकारात्मक लोग मिलते हैं जिनको हम हेटर्स भी कहा जाता है। तो ऐसे लोगों को हम कैसे सामना करें इसके बारे में आज मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो ये एक छोटा सा कहानी है। एक दिन गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध घोर तपस्या में बैठे हुए थे। अचानक एक व्यक्ति उनके सामने आता है और महात्मा बुद्ध के सामने चिल्लाना, वो चिल्लाते हैं और महात्मा बुद्ध की आलोचना करते हैं और गोर गोर शब्द, नकारात्मक शब्दों से उनकी आलोचना करते हैं और चिल्लाता रहता है उनके सामने। और जब वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने, महात्मा बुद्ध के बारे में आलोचना आलोचना कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, उस वक्त महात्मा बुद्ध सकारात्मक मुस्कान बैठ के चुपचाप बैठे हुए थे। और एक दो मिनट के बाद वो जो व्यक्ति जो है शांत हो जाता है। और महात्मा बुद्ध, जब वो व्यक्ति वो जब शांत हो जाता है, उनका आलोचना और उनका चिल्लाना खत्म हो चुका होता है, तो महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहता है कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो व्यक्ति कहता है, हाँ जी पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपके घर में, आपके घर में यार दोस्त और अतिथि आते हैं कि नहीं? तो कहते हाँ, मेरे घर में मेरे यार दोस्त आते हैं, मेरे परिवार के लोग आते हैं, मेरे अतिथि कभी कभी आते हैं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं, अच्छा तो अगर आपके घर में अतिथि और यार दोस्त आते हैं तो आप उनको क्या परोसते हैं? तो व्यक्ति कहता है कि हाँ, जब भी कोई मेरे यार दोस्त और अतिथि घर में आते हैं तो मैं उनको पानी, चाय, नाश्ता परोसता हूँ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छे, अगर आपके घर में आने वाला
अतिथि हो, आए आपका परिवार के जो लोग हो, आपने अपने अच्छे मन से उनको चाय नाश्ता जब आप परोसते हैं, तो वो जब मना करते हैं कि मुझे चाय नहीं चाहिए, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने उसे उस व्यक्ति से पूछा, तो वो आदमी मुस्कुरा के कहता है महात्मा बुद्ध को, जबकि मेरे मन से मैंने अच्छाई से उनको चाय नाश्ता परोसा है, अगर वो मना करते हैं तो मैंने ये चाय नाश्ता बनाया हुआ है, तो ये सब अगर वो मना करते हैं तो मैं खा लेता हूँ, और वो ये जो मेरा जो है, जो चीज़ मैंने वो परोसा है, अगर वो मना करते हैं तो मैं खुद उसको खा लेता हूँ और ये मेरी चीज़ हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा उनसे, अच्छा उसी तरह जब मैं तपस्या में बैठा हुआ था, आप आया आके मेरी आलोचना किया, आपने आप मेरे साथ ने चिल्लाया और मुझे नकारात्मक शब्दों का आपने प्रयोग किया, कि जो भी आपने प्रयोग किया मैं उसका मना करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आप अपने आप को खुद रख लीजिए। तो उस आदमी हैरान हो गया, उसका जो छोटे से जो कहानी है उसका बेशक उसके बारे में अगर कहा जाए तो हमारे जीवन के अंदर और हमें परिवार के अंदर, यार दोस्त के अंदर, समाज के अंदर, जहाँ काम करते हैं, आपके सामने कई कभी कभी नकारात्मक लोग आते हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना चाहिए? आपको चुपचाप जो व्यक्ति जो है, चाहे जो जो भी हो, उस व्यक्ति के बारे में आपको समझना नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति जो कह रहा है, आपको क्या कह रहा है उसको समझना चाहिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा उसके बारे में कि अगर कोई आपको बुरा बुरा कहता है, जो भी कहता है, जो शब्द है, उसको सुने, उसको समझे, और आपको अगर लगता है कि जो भी आप जो आलोचना आपके बारे में कह रहे हैं अगर उसमें सच्चाई है, उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और उसको सुधार लाने की कोशिश कीजिए कीजिए और आप उनके सामने माफ़ी मांग सकते हैं। और अगर जो व्यक्ति जो आपके सामने, जो आपकी आलोचना करता है, वो आपके सामने चिल्लाता है, और यदि उनके शब्द निराधार आरोप है, तो अपना गुस्सा कभी ना दिखाए और ये दिखाने की कोशिश ना करे कि आपको उनके शब्दों से आपको चोट पहुंचा हुआ है। उस वक्त आप चुप रहे और उन्हें गलत साबित ना करें, कभी भी उनको गलत साबित मत करो, लेकिन अपनी सफलता से उनको गलत साबित करो। तो जो गुस्से जो लोग जो हमेशा क्रोध और गुस्से में जो लोग होते हैं, वो हमेशा मानसिक रूप में हमेशा कमजोर होते हैं। उस वक्त उनकी आंख और कान बंद हो चुके होते हैं और उस समय उनके मुंह से जो भी शब्द आते हैं वो बोलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्रोध को निपटाने के लिए आप चुप रहें, प्यार और देखभाल से निपटा जा सकता है। हमेशा याद रखें कि विनम्र होना और चुप रहना कमजोरी के संकेत नहीं है। ये आज के विशेष का अंत है और यदि आप इसे पसंद करते हैं तो कृपया आप इसकी सदस्यता लेने की विचार करें मेरे YouTube चैनल का, और बहुत बहुत धन्यवाद।